जनपद हापुड़ पुलिस ने एक साल से भी ज्यादा समय से वांछित चल रहे अभियुक्त दंत चिकित्सक को धर दबोचा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। दरअसल हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लोहारी गांव के निवासी अलका पुत्री रमेश खटीक ने न्यायालय के आदेश और थाना बहादुरगढ़ में 22 जुलाई 2020 को एक अभियोग पंजीकृत कराया और हुआ यह है कि अलका के पति अरुण निवासी रसूलपुर धोलड़ी थाना जानी जनपद मेरठ को उसके भाई अमित, अंकित और परिजनों के द्वारा प्रताड़ित करने और उत्पीड़न करने के चलते अलका के पति अरुण ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर उसकी पत्नी अलका ने अपने जेठ दंत चिकित्सक अमित, पुत्र गरीबचंद, देवर अंकित और जेठानी मीनू के विरुद्ध थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ में न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके चलते सीओ गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार के निर्देशन में और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में बहादुरगढ़ SI प्रमोद कुमार, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल सत्यम ने दंत चिकित्सक अमित, पुत्र गरीब चंद, निवासी रसूलपुर धोलड़ी थाना जानी जनपद मेरठ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं अलका के पिता रमेश चंद की माने तो उनके दामाद की मौत के बाद दो बेटियों को दोनों भाइयों ने एक एक करके अपने पास रख लिया और अलका अपने पिता के साथ अपने मायके में लुहारी गाँव में रह रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।